नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह टाइम्स निकल पड़ी है सर्वेक्षण की दुनिया, यानी कि भारत का सर्वे करने, और आपको दिखाएगी हर पल पल की खबरों के साथ स्वच्छता कहाँ पर है, किस तरह से है और कहाँ गंदगी है। मैं इस समय चंडीगढ़ में हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्वेक्षण की दुनिया में मेरी नज़र पैनी नज़र चल रही है। देश भारत में आज 2019 सर्वेक्षण की आगाज 2014 में मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के 150वें वर्षगांठ के बारे में मनाने के लिए 2019 में सबसे बड़ी खबर, वर्ष 2019 सर्वेक्षण का कार्य अब बड़े तेज़ी से चल रहा है। वहीं पर आप भी इस सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं। आप एक कदम स्वच्छता की तरफ ध्यान रखते हुए आगे आप देखिए। आगे रिपोर्ट चंडीगढ़ से। अंकुश जी, अंकुश जी, ये बताइए चंडीगढ़ कितना सुरक्षित होना चाहिए और कितना साफ सफाई होना चाहिए लोगों को? देखिए, चंडीगढ़ तो है सुरक्षित है अभी, और साफ सफाई भी बहुत अच्छा चल रही है यहाँ पे। जी जी, लेकिन अभी है थोड़ा पेंडिंग है, बहुत सारा पेंडिंग है। हाँ। जितना होना चाहिए उतना है नहीं है, लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है अभी। जी जी, और मोदी जी जो सर्वेक्षण करा रहे हैं इसके लिए आप कितना सहमत हैं और लोगों को कितना जागरूक करेंगे? लोगों को जागरूक हो रहे हैं ना, धीरे धीरे हो जाएंगे सभी। अच्छा अच्छा, तो अपना देश सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? बस अब सफाई रखें, और बस और क्या, जितनी सफाई होगी उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। विकास जी, आप ये बताइए कि अपना देश भारत कितना सुरक्षित और सुंदर होना चाहिए? देखिए, जो अपना भारत है, हरियाली होनी चाहिए, मतलब कि पोल्यूशन सबसे मेन प्रॉब्लम आज की पोल्यूशन है, तो भारत में पोल्यूशन की बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय चंडीगढ़ में हूँ और महात्मा गांधी जी के 150वें वर्षगांठ में मैं शरीक होने के लिए हर भारतवासी स्वच्छता की एक कदम स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करना चाहिए और स्वच्छता के मिशन पर सभी को भागीदारी अपनाना चाहिए। हम वहीं पर आपको चंडीगढ़ का, आपको शहर की नज़ारा दिखा रहा हूं। आप देखिए स्वच्छता कैसे होती है, किस तरह से होती है। मैं एक एक पैनी नज़र रखी हुई है और मैं आपको सर्वेक्षण के बारे में दिखाएंगे। भारत के स्वच्छ भारत हो या अपना या महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले यही कहा था कि यदि हमारा भारत स्वच्छ रहेगा तो हम सब स्वच्छ सुंदर वातावरण में भली भांति अच्छी तरह से सोच समझ सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। महात्मा गांधी जी के इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए आप लगातार देखते रहिए। हम सीधे आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ की रूख, और मेरी रिपोर्टर पहुंच गया है चंडीगढ़ और आपको बताएगा चंडीगढ़ का हर पल पल की सर्वेक्षण की नज़र और बनी हुई है खास नज़रों के साथ सर्वेक्षण की दुनिया में। हमारी आज सुबह टाइम्स पहुंची है टीम बस अड्डे के पास और मैं आपको दिखा रहा हूं बस स्टैंड की एक खास रिपोर्ट। और चंडीगढ़ में स्वच्छता के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के सपनों को पहचानते हुए सबसे पहले भारत में स्वच्छता मिशन को लेकर बड़े तेज़ी से 2014 में आगाज करते हुए मोदी जी ने भारतवासियों से जागरूकता का परचम लहराते हुए कहा था कि आज हम सब स्वच्छता की दुनिया में जीने की आवश्यकता है और हम सबको सर्वेक्षण के लिए 2019 में आगे होने की ज़रूरत है। और 2019 में सर्वेक्षण चालू हो गई है श्री मोदी जी के आदेश पर। हम आपको बता दें कि यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी का ही नहीं, हम सबका भी कर्तव्य बनता है। आगे रिपोर्ट चंडीगढ़ से। और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।